राम राम जी। तो आज हम स्वप्न के बारे में चर्चा करेंगे। स्वप्न, सपना, रोज ही सभी मनुष्य स्वप्न देखते हैं, सपने देखते हैं। तो उन सपनों में होता क्या है, या कुछ ज्योतिषी जो हैं वो अपनी दुकानदारी चलाते हैं स्वप्न फल के नाम पे, कि जो आपने सपना देखा है उसका फल क्या है, वो किस तरफ क्या संकेत दे रहा है, या उससे क्या पता लगेगा आपके भविष्य का या आपके भूतकाल का। तो पहली बात तो ये जो सपने हम लेते हैं वो ही एक बहुत बड़ा चमत्कार है। कैसे? ये सपने में हमारी आंखें तो बंद होती हैं लेकिन फिर भी हम कुछ दृश्य देखते हैं। हमारा दिमाग तो सोया हुआ होता है फिर भी हम कुछ निर्णय लेते हैं, सपना अच्छा है या बुरा है, सपने में कोई क्या कर रहा है, उस सब को हम देखते हैं और सोचते हैं ये सही है कि ये गलत है, अब मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। वो सपना उस वक्त एक हकीकत ही होता है। हमारे हाथ पैर तो सोए हुए होते हैं लेकिन फिर भी हम चलते हैं, हम किसी को हाथ से मारते भी हैं या किसी को कोई वस्तु उठा के भी देते हैं, या हम कुछ खाते भी हैं, कोई चीज़ का स्वाद भी लेते हैं। तो ये सब हम सपने में करते हैं जबकि हमारा शरीर सोया हुआ होता है। तो ये एक आश्चर्य है, एक चमत्कार है, पर क्योंकि ये रोज़ होता है इसलिए हम इसकी अहमियत को नहीं जानते। जो चीज़ सामान्य हो जाती है उसका मोल ख़त्म हो जाता है। जैसे सोना है, उसका मोल क्यों ज़्यादा है, क्योंकि वो कम मिलता है। तो जो वस्तु सामान्य हो जाती है उसका कोई मोल नहीं होता। तो रोज़ हम सपने देखते हैं इसलिए इसका कोई मोल, कोई चमत्कार के रूप में महत्व हमारे जीवन में नहीं है। जैसे सोना है, तो सोना लोहे से या बाकी धातुओं से महंगा क्यों है, क्योंकि वो आसानी से हासिल नहीं होता और बाकी धातुओं की तुलना में कम मात्रा में पाया जाता है। अगर सोना बहुतात में मिलता तो सोने की वैल्यू कम होती, लोहे की ज़्यादा होती। तो जो चीज़ कम होती है उसी की वैल्यू ज़्यादा होती है, और जो कभी कभी घटना घटित होती है उसको ही चमत्कार कहते हैं। तो जो सपना है उसका होने का कारण क्या है? हमारे जीवन में कई ऐसी वस्तुएं होती हैं जो हम हासिल तो करना चाहते हैं लेकिन हासिल नहीं कर पाते। तो वो वस्तुएं हम अपने सपने में हासिल कर लेते हैं। सपने जो होते हैं वो मन को सुकून देने के लिए होते हैं, उनसे हमारा मन कुछ समय के लिए सुकून हासिल कर लेता है। जैसे हमने बाज़ार में से लेके कुछ पेस्ट्री खानी थी लेकिन उस समय हमारे पास पैसे नहीं थे, तो हमने सोचा घर जाके पैसे ले आएंगे और खा लेंगे। फिर घर गए तो फिर कुछ काम पड़ गया, हमारा बाज़ार जाना ही नहीं हुआ, तो हम सो गए। तो सपने में वही पेस्ट्री हम खा रहे होंगे। जो अधूरी इच्छा पूरे दिन में हमारे मन में होती है वो स्वप्न में पूरी हो जाती है तो मन को सुकून मिलता है। अधूरी इच्छा ही मन को बेचैन करती है और जब वो इच्छा पूरी हो जाती है तो मन को सुकून मिलना शुरू हो जाता है। इसलिए हमारे मन में अगर कोई बड़ी से बड़ी चिंता भी हो तो अगर हम सो जाते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है। अगर किसी से लड़ाई झगड़ा भी हो गया है तो जवाब तो हर कोई देता है, लेकिन अगर उस समय आपके दिमाग में जवाब सही नहीं आया और आपने कुछ कम बोला है तो वो हमारे मन में खटकता रहता है कि मैं ये बोल देता वो बोल देता। तो जब हम सोते हैं तो सोते समय सपने में उसी व्यक्ति को हम जो हमारे मन में होता है बोल देते हैं। जैसे मस्कीन जी एक
कथा सुनाते थे कि उनके साथ कोई छोटा 12-13 साल का लड़का चलता था। तो वो जो लड़का था रात को ऊंची आवाज़ में गालियां दे रहा था। मस्किन जी ने उसे उठाया, उसे बोला क्या हुआ, क्यों गालियां दे रहा है। तो उस बालक ने कहा कि ये जो सोया हुआ है हमारा साथी, उसको गालियां दे रहा हूँ। तो मस्किन जी ने कहा कि क्यों दे रहा है। बोला जब मैं जागता हूँ तो आपसे डरता हूँ, तो गालियाँ नहीं दे पाता, तो वो मुझे बिना वजह परेशान करता है, तो सोते वक्त मेरा नियंत्रण नहीं रहा तो मैंने गालियाँ दे दी। तो मस्किन जी ने ये अंदाज़ा लगाया कि जब हम सोते हैं तो जागते वक्त जो काम नहीं कर पाते वो हमारा मन सोते वक्त करके मन को शांत कर देता है। और जो डिप्रेशन के मरीज होते हैं उनको जो डॉक्टर दवाई देते हैं वो भी गहरी नींद आने की देते हैं, ताकि उनका मन जो है वो अच्छी तरह से शांत हो जाए। जो मन में विचार चल रहे हैं सीधे उल्टे, वो सारे के सारे शांत हो जाएं। तो नींद भी हमारे मन को एक बहुत बड़ा सुकून देती है, और सपने भी हमारे मन का बोझ काफ़ी हद तक उतार देते हैं। और कुछ तो ऐसा कहते हैं कि ये जो सपने होते हैं जब हम सोते हैं, अगर तो सपने नहीं देखते तो समझ लीजिए गहरी नींद में सोए हैं, और अगर हम सपने देखते हैं तो हमारा मन पूरी तरह से सोया नहीं होता। तो जैसे कहते हैं जागृत, स्वप्न और सुषुप्त, तो तीन अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तो अगर तो कोई व्यक्ति गहरी नींद में होता है, मन उसका पूर्ण रूप से विश्राम में होता है, तो हमारा मन सपने नहीं देखता, सपनों का संसार नहीं रचता। और अगर हमारा मन कुछ जागृत अवस्था में होता है तो हमें सपने आते हैं। तो ये भी एक आश्चर्य की बात है कि जब हम सपने देखते हैं तो सपने में खुद को भी देखते हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम उससे मिले, हम वहाँ गए। तो अगर हम सपने में हैं तो हमको देख कौन रहा है, तो हम जो हैं वो दृष्टा हैं, हम शरीर नहीं हैं, हम मन नहीं हैं, क्योंकि मन तो सपनों का संसार रच के खुद भी उसमें उपस्थित है और हम उसको देख रहे हैं। तो जो देख रहा है वो दृश्य से भिन्न हो गया, दृष्टा दृश्य से भिन्न हो गया, हम दृष्टा हैं, हम दृश्य नहीं हैं। तो इससे ये बात भी स्पष्ट हो गई, अगर सपने को ही गहराई से लेंगे, कि हम परमात्मा का अंश जीवात्मा हैं जो मन बुद्धि से शरीर से परे हैं, फिर भी आप परमात्मा के साथ एक संबंध जोड़ सकते हैं। तो जो स्वप्न हम लेते हैं, जिस वस्तु के बारे में सारा दिन सोचते रहेंगे वही सपने में आ जाती है, वस्तु या व्यक्ति के बारे में। और अगर कोई परमात्मा का ही ध्यान कर रहा है पूरा दिन भक्ति भाव में रहा है, तो रात को वो परमात्मा का स्वरूप हमारे स्वप्न में आ सकता है, तो वो सपना भी भक्ति का रूप बन जाता है। जो सपना परमात्मा के लिए देखा जाता है, जिसमें परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं, वह सपना भी पवित्र हो जाता है। बाकी तो आम संसारिक स्वप्न तो आते ही रहते हैं। तो सपनों को ज़्यादा उसको अपने ऊपर हावी नहीं करना चाहिए कि हमने जो सपन देखे हैं उसका फल जानने के लिए ज्योतिषों के पीछे चक्कर लगाएं, क्योंकि ये जो ज्योतिष विद्या है तो बड़ी पवित्र, वेदों में भी इसका उल्लेख है, लेकिन आजकल जो ज्योतिषी हैं वो पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं होते, वो पूर्ण रूप से इतने प्रकांड पंडित नहीं होते कि हर एक चीज़ का अर्थ बता सकें।
तो अगर आप उनके पास चले जाते हो तो कोई ना कोई अपना रोज़गार का साधन बनाने के लिए आपको चक्करों में डाल देते हैं। ये पूजा होगी, वो दोष लगा हुआ है। अगर आपको डराएंगे तब भी आपकी जेब से पैसे निकलेंगे, वैसे आप पैसे जेब से नहीं निकालेंगे। तो ये भी जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं और आप उनके चंगुल में ना फंसें। तो जो भी स्वप्न आप देखते हैं, आप ये समझ लें कि या तो अपने मन की कोई अधूरी इच्छा वो देख रहे हैं, या तो पूरे दिन में जो क्रियाकलाप किया है आपने वो देख रहे हैं। तो अपने पूरे दिन का अवलोकन कर लीजिए और अपने मन को देखना शुरू कर दीजिए। आपको सपनों का फल पता लग जाएगा, उनका कारण पता लग जाएगा, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। और परमात्मा का भजन करने से वो जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं हैं, वो तीनों की तीनों पवित्र हो जाती हैं। धन्यवाद।